हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले तीज त्योहारों की। पाप मोचनी एकादशी कब की है, प्रदोष व्रत अमावस्या नवरात्र कब की है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है, इन सब की पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी व्रत सभी एकादशी व्रतों में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप मिट जाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा बड़ी ही सहज में मिल जाती है और मृत्यु के बाद जीवन मरण के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा और भ्रूण हत्या जैसे जो घोर पाप होते हैं ना, इनके दोषों से भी मुक्ति मिलती है। सभी लेडीज जिनका किसी भी वजह से अबॉर्शन हुआ है, उन सभी को ये व्रत जरूर ही रखना चाहिए। देखिए, अबॉर्शन कोई भी करवाना नहीं चाहता, बट फिर भी कई बार इस तरह की परेशानियां आ जाती हैं जीवन में, है ना। तो उस भ्रूण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही सरल उपाय है इस व्रत को करना। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पाप का मोचन करने वाली, मतलब पापों को शरीर से खत्म करने वाली महा एकादशी। और इस साल 2023 में ये महा एकादशी 18 मार्च दिन शनिवार को मनाई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूं। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 17 मार्च को 14:06 बजे, मतलब दोपहर को 2:06 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 मार्च को सुबह 11:13 AM पे। तो इस तरह आप देखोगे ना, तो 24 घंटे से बहुत कम की, 21 घंटे की एकादशी है। सूर्योदय में एकादशी 18 मार्च को है, इसलिए सभी धार्मिक स्थलों और सभी संप्रदायों में एकादशी व्रत का पालन 18 मार्च दिन शनिवार को ही किया जाएगा। इस बार एक ही एकादशी है, मतलब लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि भाई 17 तारीख को एकादशी आ गई है, तो कई जगह क्या 17 तारीख को व्रत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी जगहों पर 18 तारीख को ही एकादशी व्रत किया जाएगा। 17 मार्च को दशमी के नियमों का पालन होगा, पूरी तरह दशमी तिथि मानी जाएगी 18 मार्च की एकादशी, और 19 मार्च को द्वादशी होगी। कई लोग है ना, ये भी प्रश्न करते हैं कि भाई 17 मार्च को एकादशी दिन में ही आ जाएगी, तो क्या ऐसे में हम 17 मार्च को तुलसा जी में जल दें या नहीं दें? तो बिल्कुल देंगे। 17 मार्च को हम पूरी तरह दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। दशमी तिथि में तुलसी महारानी को जल अर्पित किया जाता है। अगर आप नहीं करोगे तो एकादशी पे भी नहीं करोगे तो तुलसा महारानी सूख नहीं जाएगी, है ना। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ मुहूर्त भी बता रही हूं। देखिए, अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो 12:11 PM से 12:48 PM के बीच का है। अमृत काल का जो समय है वो 3:04 PM से 4:31 PM का है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 5:01 AM से 5:49 AM के बीच का है। विजय मुहूर्त का जो समय है वो 2:06 PM से 2:56 PM के बीच का है। गौधूली बेला का जो समय है वो 6:47 PM से 7:28 PM के बीच का है। सर्वत सिद्ध योग 19 मार्च को 12:29 AM से 19 मार्च को 6:36 AM तक रहेगा। द्विपुष्कर योग जो बन रहा है वो 19 मार्च को 12:29 AM से 19 मार्च को 6:36 AM के बीच रहेगा। इस बार पाप मोचनी एकादशी सर्वत सिद्ध योग में है, ये योग कार्यों को सिद्ध करने वाला है। साथ ही द्विपुष्कर योग भी बन रहा है, जिसके चलते इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। सभी इस एकादशी व्रत का पालन जरूर करें। अगर आप जोड़े के साथ व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर जैसे किसी के साथ ही नहीं मानते हैं तो कम से कम उन्हें पूजा में जरूर शामिल कीजिए। अच्छा, अभी हमने चर्चा कर ली है कि हमें एकादशी व्रत कब रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपने एकादशी व्रत का हम पारण कब करेंगे। अपने एकादशी व्रत का पारण हम 19 मार्च को सुबह 6:25 AM से
8:07 AM के बीच में करेंगे। यहाँ पे स्पेशली याद रखना, कुछ भी करके पारण 19 मार्च को सुबह 8:07 AM से पहले ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। बहुत हर एकादशी पे आपने देखा है कि अलग अलग संप्रदाय थोड़ा सा टाइमिंग अलग अलग बता देते हैं, पर इस बार टाइमिंग फिक्स रहेगा और हर जगह के लिए, क्योंकि हम अपने एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करते हैं। तो जो भी सूर्योदय का समय होगा उससे हमें अपना व्रत खोलना है, और 8:07 पक्का रहेगा, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। हमें अपने एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले सूर्योदय के समय में कर लेना चाहिए, तभी हमें अपने एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी माना गया है। द्वादशी, कई जगहों पे यह भी कहा जाता है कि द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले पारण ना करना पाप करने के समान होता है। शिव भक्तों के लिए प्रदोष व्रत बहुत महत्व रखता है। प्रदोष व्रत 19 मार्च 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। रविवार का दिन पड़ने से यह रवि प्रदोष व्रत होगा। रवि प्रदोष व्रत की दो पौराणिक व्रत कथा की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, महाफलकारी पौराणिक व्रत कथा जरूर सुने। देखो, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में की गई पूजा से हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। तो प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो है 18:30 से 20:53 बजे का जो समय है, मतलब शाम को 6:30 PM से 8:53 PM के बीच का समय। इस समय में आपको शाम की प्रदोष पूजा जरूर कर लेनी है। ये समय अवधि कुल 2:23 की है, ठीक है। अच्छा, इसी दिन रंग त्रयोदशी या रंग तेरस भी मनाई जाएगी। रंग तेरस का त्योहार भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। रंग तेरस के त्योहार को उन मंदिरों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का श्रीनाथ जी जो रूप है वहां तो बहुत ही धूम से पूजा होती है। राजस्थान में, नाथद्वारा में ये तो बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे ये मनाया जाता है। अच्छा, श्रीनाथ जी के मंदिर में रंग तेरस वाले दिन दूर दूर से लोग आते हैं, वहां का आनंद ही बहुत अलग होता है। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में रंग तेरस स्थानीय लोगों द्वारा घेर के प्रदर्शन के साथ मनाई जाती है, बहुत ही अलग उत्सव होता है वहां का। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार राज्य में रंग तेरस का ज्यादा विशेष महत्व होता है, वहां बहुत ज्यादा अलग तरीके से मनाई जाती है। अब की बार द्वादशी और त्रयोदशी एक ही दिन पे रहेगी 19 मार्च की। मासिक शिवरात्रि व्रत 20 मार्च 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार और शिवरात्रि का शुभ संयोग शिव पूजा का अधिक फल प्रदान करने वाला होगा। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र अमावस्या 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसी दिन सभी देव और पितृ कार्य तर्पण श्राद्ध आदि किए जाएंगे, साथ ही संवत सन 2080 शुरू हो जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान किया जाएगा। पितृ दोष से निजात पाने के लिए जो बहुत उपाय बताए जाते हैं वो किए जाएंगे, जरूरतमंदों को दान भी किया जाएगा। इस दिन पितृ तर्पण और पिंड दान आदि से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू होकर 30 मार्च 2023 तक मनाई जाएगी। इस बार नवरात्रि की किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, मतलब कोई भी नवरात्र जो व्रत है वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भक्त 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करेंगे। और ये बहुत अच्छा योग होता है, जब भी नवरात्रा घटता है बढ़ता है ना तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बट पूरे होना सच्ची में बहुत अच्छा होता है। इस बार नवरात्रों की शुरुआत बुधवार से हो रही है, इसलिए मां नाव पे सवार होकर आएगी।
हर घर में नवरात्रि के दौरान घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। कई लोग 9 दिनों तक माँ का व्रत रखते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:29 से 7:40 के बीच का रहेगा। बहुत कम समय की अवधि है, तो इसलिए हमें सुबह जल्दी जल्दी अपना काम करना पड़ेगा। इस विषय में डिटेल में एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी, नवरात्रि की पूरी जानकारी आपको दूंगी। अगर आपके पास नवरात्र से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें पूछिएगा, उस प्रश्न को मैं उस वीडियो में भी इंक्लूड करूंगी। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।